नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने सभी राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू। दीवानी न्यायालय में आयोजित हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत। 39,927 वादों में से 28,878 मामलों का हुआ निस्तारण। 13 जोड़ों की हुई विदाई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और हर्षवर्धन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ 2 दिवसीय गोरखपुर साहित्य समागम। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के भौतिकी परिषद द्वारा आयोजित हुआ वार्षिक समारोह। छात्र छात्राओं ने की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। गंगोत्री में स्वयं सेविकाओं को दिए गए योग के टिप्स। भाजपा के गोरखपुर परिक्षेत्र के 2 नेताओं को प्रदेश मंत्री का मिला दायित्व। कार्यकर्ताओं ने दी बधाइयां। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के रोवर्स रेंजर्स 5 दिवसीय रोवर रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। नगर निगम परिसर में एयर प्रेशर मशीन से परिसर और भवन पर जमे धूल मिट्टी को किया गया साफ। और 6वीं अंतरवाहिनी पीएससी मध्य जोन मलखम प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रचार प्रसार के लिए जो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए हैं उन्हें तत्काल हटवा दें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू होगी। उन्होंने निर्वाचन कार्यक्रम की सभी को जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि नामांकन के पूर्व एक नया खाता खोल लें। नामांकन कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में प्रत्येक कार्य दिवस में 11 बजे से 3 बजे तक होगा। नामांकन कक्ष के 100 मीटर तक 3 वाहन से उम्मीदवार आ सकेंगे। निर्वाचन के दौरान प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वाहन की अनुमति लेनी होगी। वाहन पर झंडा, बैनर, पोस्टर, तख्ती में से कोई एक प्रदर्शित कर सकेंगे। अनुमति पत्र वाहन के स्क्रीन पर चस्पा करना होगा। उन्होंने कहा कि 10 वाहन से अधिक एक कारवां में नहीं चल सकेंगे। बाहर से आने वाली प्रचार सामग्री के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। सामग्री लेकर आने वाले वाहन प्रचारी कार में नहीं लगेंगे। पार्टी के स्टार प्रचारक के आने की एवं सभी प्रकार के जनसभा, जुलूस, रैली की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट में सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन संबंधी प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर तत्काल निस्तारण करें। विलंब के लिए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि नागरिक सुरक्षा संगठन कार्यालय में कंट्रोल रूम खोल दिया गया है जो 24 घंटे कार्य करेगा। इसका फोन नंबर है 2200420। जिला निर्वाचन कार्यालय का नंबर है 2333416 है। उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा है कि किसी प्रकार की दिक्कत होने पर उन्हें या चारों एडीएम या संबंधित एसडीएम से फ़ोन पर बता सकते हैं। उन्होंने ईवीएम प्रभारी के साथ साथ सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि बिना उनकी अनुमति तथा राजनीतिक दलों को सूचित किए ईवीएम स्ट्रांग रूम में नहीं जा सकेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। जो भी प्रचार सामग्री प्रकाशित की जाए उस पर मुद्रक प्रकाशक का नाम अवश्य छापा जाए। वाहन में असलहा व अवांछित सामग्री लेकर ना चलें। यदि ऐसा पाया गया तो मुकदमा भी दर्ज होगा और असलहा निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में CDO अनुज सिंह, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, ADM प्रभुनाथ, रजनीश चंद्र, विधान जायसवाल, बलराम सिंह, सभी SDM नोडल अधिकारी सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रोग्राम हमारे विभिन्न राजनीतिक दल के पदाधिकारी गण हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ
कि हमारे यहाँ जो उप निर्वाचन 64 गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का होना है, उसकी घोषणा कल भारत निर्वाचन आयोग ने कर दी है और उसके क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी हमारे द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ये जो व्यवस्था हमारे यहाँ रहेगी उसमें 13 तारीख से नॉमिनेशंस शुरू होंगे। तो आपको बताया होगा हमारे उप जिला निर्वाचन अधिकारी जी ने, उसमें होंगे नॉमिनेशंस का समय, आप सभी पूर्णता विज्ञ हैं, तमाम चुनाव आपको करा चुके हैं, 11 बजे से 3 बजे के बीच में रहता है और जो नॉमिनेशंस की अंतिम तिथि है वो 20 तारीख है, गौर का दिन भी होता है और उस दिन हम लोग करते हैं। तो ये जो प्रथम चरण है जिसमें कैंडिडेट्स हमारे फाइनल होते हैं वो ये चलेगा, 23 तारीख को हमारे कैंडिडेट्स के फाइनल होने के बाद जो हमारी आंतरिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये पूरा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होना है और इसके साथ वीवीपैट का भी हम लोग प्रयोग करेंगे, तो हमारी आंतरिक प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें हम लोग आप लोग अपनी तैयारी करेंगे, आपका अपना चुनाव का प्रचार आरंभ होगा क्योंकि 11 मार्च को चुनाव है, इसका अर्थ ये हुआ कि 9 मार्च आए 5 बजे की जो समय हो जाएगा और हम लोग 11 तारीख को मतदान के लिए व्यवस्था करेंगे, मतदान होगा। इसके बाद 14 तारीख को काउंटिंग होगी और काउंटिंग का के रिजल्ट के बाद ये चुनाव की अधिघोषणा समाप्त हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम ब्रॉडली है, इसके साथ क्योंकि तमाम जिसमें दो हमारे उत्तर प्रदेश में हैं और एक बिहार में, तो पूरे देश में ये 3 चुनाव हैं और इसमें चुनाव की सारी प्रक्रियाएं हम लोग पूर्णतः नियमानुसार और पारदर्शिता से और सुव्यवस्थित रूप से हम और हमारी टीम कराएंगे और भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप कहते हैं कि फ्री फेयर एंड पीसफुल। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी कार्यालय में जनपद न्यायाधीश मुकेश अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण संधि सुलह एवं अपराध स्वीकृति के आधार पर किया गया। इस राष्ट्रीय अदालत में आपराधिक बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस में वेतन संबंधी विवाद एवं सेवानिवृत्त लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व वाद, पारिवारिक न्यायालय के मुकदमे एवं अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 39,927 वादों में से कुल 28,878 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें मोटर क्लेम से संबंधित 52, पारिवारिक वादों से संबंधित 51 वादों तथा प्री लिटिग्नेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों से संबंधित 1,119 वादों का निस्तारण करके 80,24,424 रुपये की छूट प्रदान करते हुए 79,29,623 रुपया नकद जमा कराया गया। इस दौरान पारिवारिक न्यायालय में सुलह समझौते के आधार पर 13 जोड़ों की विदाई जनपद न्यायाधीश मुकेश प्रकाश के हाथों उपहार देकर किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चंचल ने बताया। टीचर कहा तो इसका मतलब है कि आप गाया हुआ टीचर इसका मतलब है बाकी पैसा के अंदर कौन पास डिटेल दे देना जरा। अगर ये हटाए हो किसी लिमिट से सुना भी ना एरिया वाले आए हुए हैं आप ही आ गए आप ही आ गए एक और चीज का फिर बैठिए आप नहीं कर रहे आप आइएगा दोनों चरण माले समाधान आप
फरवरी को आज लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि जिला गोरखपुर में लगभग 35,000 मुकदमे लगे हुए हैं और पिछली बार 25,000 के करीब हुए थे और उम्मीद है कि इस बार 25,000 का आंकड़ा पार कर जाएगा। किस तरह के मुकदमे हैं? ये बैंक रिकवरी से संबंधित हैं और MACP से हैं और मोटर एक्सीडेंट क्लेम है और कंपाउंडेबल केसेस, सिविल क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं और सिविल केसेस हैं। सफल इसे डाइवोर्स नहीं हुआ फिर समझो। हम सफल ये लो पकड़ो, दोनों पकड़ो, बैठाओ एक दूसरे को। अब उन लोगों के आपस के विवाद थे और विवाद तो फाइल देख के ही बताया जाता है, लेकिन 10 फाइलों में अब तक सुलह हो गई है और अभी और हो सकती है, लगभग 40 मिनट में निपटेंगे। तो किस तरह से इन लोगों का आपसी सुलह समझौता से हुआ, किस तरह? मध्यस्थता करा के, बातचीत करा के, अधिवक्ता उनके उनको बात की चीज किए, न्यायालय ने बात किया, दोनों के विवाद सुलझाए गए और मामला सुलह हो गया, निपट गया, दोनों साथ साथ विदा हो गया। ठीक सर। जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कि 6,665 मुकदमे जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा निस्तारित किए गए तथा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर की तरफ से टोटल मुकदमे 28,119 का निपटारा किया गया। क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस 6,208 का निस्तारण किया गया है। NI एक्ट किए गए हैं 74, 3 बैंक रिकवरी हैं, MACT के 52, इलेक्ट्रिसिटी बिल के 82, वाटर बिल्स का कोई नहीं हुआ है, मैट्रिमोनियल केसेस 51 का निस्तारण किया गया तथा सिविल केसेस 195 का निस्तारण किया गया है। लोक अदालत के माध्यम से लोग आपस में अपने सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण कराते हैं तथा इसमें जो सिविल के मुकदमे होते हैं उसमें जो कोर्ट फीस न्यायालय द्वारा लगाई जाती है वो वापस की जाती है और इसकी ना कोई अपील होती है ना ही कोई रिवीजन होता है। इसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर लोग अपने मुकदमे निपटा सकते हैं, तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल जाता है। लोग जो सालों साल कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं जिसमें पैसे की और समय की दोनों की ही बहुत बर्बादी होती है, उससे
बचा जा सकता है। तो लोक अदालत पिछली बार की अपेक्षा अधिक सफल हुई है और ये हमेशा सफल होती रहेगी। इसके लिए मैं जनपद गोरखपुर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और हर्षवर्धन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय गोरखपुर साहित्य समागम का आयोजन शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में संस्कृत से अद्भुत नेपाली व हिंदी भाषा का समृद्ध संबंध दोनों देशों के लिए अनुग्रही विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, डॉक्टर चितरंजन मिश्रा, डॉक्टर मन प्रसाद सुब्बा, योगाचार्य डॉक्टर जी एन सरस्वती, वीणा सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने संबंधित विषय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में साहित्य समागमों को व्यापक व उपयोगी बनाने के उपाय विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, शांतनु गुप्ता, अनुराधा गोयल और ए के सिंह ने संबंधित विषय पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम के तृतीय सत्र में हिंदी भाषा क्षेत्र में अंग्रेजी साहित्य विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर मन प्रसाद सुब्बा, डॉक्टर नंदिनी सिंह, डॉक्टर उमा सब्जपोश और कमलेश त्रिपाठी ने हिंदी भाषी क्षेत्र में अंग्रेजी साहित्य विषय पर अपने विचारों को व्यक्त किया। कार्यक्रम के चौथे सत्र में फिल्मी गानों से लोक संगीत ने क्या खोया क्या पाया विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता करुणा पांडे, ज्ञानेंद्र सिंह, रविंद्र श्रीवास्तव, महेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने संबंधित विषय पर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में और पांचवें सत्र में सोशल मीडिया का साहित्य पर प्रभाव विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह राहुल देव यशवंत सिंह ने संबंधित विषय पर मंथन किया। कार्यक्रम के बीच अतिथियों ने आईने गोरखपुर, द मॉन्क यू बिकेम चीफ मिनिस्टर, शब्द टिपिकल टेल ऑफ इन इंडियन सेल्समैन और पत्तों पर ठहरी ओस की बूंदे पुस्तक का लोकार्पण किया। विलियम जोन्स की वो कविता इंग्लैंड की मर्जी लड़कियों को संबोधित है। उस कविता में वो कहते हैं, उस कविता में एक काम वो करते हैं कि एक नया महाभारत रचते हैं, जिस महाभारत से हम परिचित हैं उसका से एक बहुत घने वन में उनको एक बहुत ऊंचा पेड़ दिखाई पड़ा, असाधारण ऊंचा, और उस पर ती से उस फल को उसके डंठल से काट दिया, वो गिरने लगा। ये हमेशा ध्यान रखिए कि महाभारत तो पसंद नहीं, ये सर विलियम जोन्स की कविता है। जब वो फल गिरने लगा तो हाहाकार मच गया, एकदम प्रलय जैसी स्थिति आ गई और एक आकाशवाणी हुई, ये तो अनर्थ हो गया। कोई ऋषि है जो 12 वर्ष में एक बार केवल उसी फल का बूंदा खाते हैं और कुछ नहीं खाते, और वो फल अगर धरती पर आ गया तो प्रलय हो जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ये हुआ कि आखिर कोई उपाय तो होगा। लोगों ने बहुत कातर भाव से प्रार्थना की तो उस आकाशवाणी ने समाधान बताया। समाधान ये था कि सभी पांडव अपनी किसी ऐसी गलती का कन्फेशन करें, इस कन्फेशन शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक क्रिश्चियनिटी का एक बहुत मूल शब्द है। तो जैसे जैसे आप लोग कन्फेस करते जाएंगे अपनी गलतियां, वैसे वैसे वो फल ऊपर उठता हुआ, तो जो ऋषि कह रहा है वो ऊपर उठता हुआ अपने डंठल से लगने की ओर बढ़ेगा। चलिए सर, युधिष्ठिर महाशय ने उनका कन्फेशन आप सब जानते ही हैं, उन्होंने कहा कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि जानबूझ कर मैंने वो अश्वत्थ खामा अतो वा नरो वा क्रोधरो वा, वो धीरे से कहा था, थोड़ा ऊपर उठा पर। फिर भीम ने अपने भोजन वाली बात बताई, अर्जुन ने अपनी बात बताई, प्रवृत्ति विशेष आसक्ति वाली बात, फिर आप सब बताते चले गए और फल डंठल से लगता चला गया। अब अंत में बची द्रौपदी, तब जरा सरा गया था तो द्रौपदी ने कन्फेशन ये किया कि हाँ एक घटना मेरे जीवन में ऐसी हुई है जिसको आज तक मैंने किसी से नहीं कहा था। वो घटना ये है कि जब मैं 11 वर्ष की थी तो जो ब्रह्मचारी
मुझे पढ़ाने आता था, उसने अचानक एक दिन मुझे चूम लिया। ये बात मैंने किसी से नहीं बताई थी। और जब ही दौड़ती का वाक्य पूरा हुआ, पेड़ वो टहनी से लग गया फल, सब शांत हो गया। बंधुओं कितनी बढ़िया कविता है ये। और ये कविता पूरी करके सर विलियम जोन्स इंग्लैंड की वर्जिन लड़कियों को के सामने एक सवाल करते हैं, कहते हैं तुम लोग बताओ क्या तुम लोगों में ऐसा सती तो है, ऐसी वर्जिनिटी है तुम? अब ऊपर से देखिए तो ऐसा लगता है कि भारतीय कन्याओं के सतीत्व की विजय के लिए इससे अच्छी कविता क्या हो। लेकिन जरा गौर से छीनिए इसको तो निकलेगा क्या है? असल बात है कन्फ्यूशन, कन्फ्यूशन। अब कन्फ्यूशन क्रिश्चियनिटी में एक अद्भुत शब्द है कि आप बड़े से बड़ा गुनाह कीजिए, एक बार सच्चे मन से ज्ञान युक्त भाव से अगर उसको आप स्वीकार कर लीजिए ईश्वर के सामने, मन गुरु के सामने, किसी के सामने, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए कि फिर दोबारा आपको गलती नहीं करेंगे। ये जो बड़ी योजना थी कि क्राइस्ट के ही आधार पर कृष्णावतार की कथा भारत में बढ़ी, ये भी बताया वहां के पादरी ने, ये उतनी बड़ी योजना का एक हिस्सा अब इन लिट फेस्ट में या शो में, जैसा भी विश्वास याद रहते लिखा रहता है पृथ्वी का सबसे बड़ा शो, उसमें सब दिखाई दे रहा है। अभी था जारी और तस्लीमा नसरीन को बुलाए गए और फिर धमकियां शुरू हुई, ये आया तुझे होगा वो होगा जो भी होगा। अभी जो हो रहा है असल में भारतीय भाषाओं की एकता और भारतीय चेतना की एकता, ये पूरी दुनिया के लिए हमेशा से ईर्ष्या का विषय रही है। चीजें हैं जो शायद पॉलिटिकल लेवल पे ही उसको या राजनीतिक रूप से ही उसको हम लोग कुछ एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी एक साझी विरासत है, इतना लंबा हमारा एक सीमा है जहाँ पे मैथ अवधि से लेके भोजपुरी से लेके मैथिली से लेके ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं, संस्कृत दोनों की माँ है, वहीं से के आई है। मैं सेशन का पहले सबसे पहले मैं चाहूंगी कि वीना जी, क्योंकि ये एक बड़ा बड़ा काम कर रही हैं नेपाल में रह के, इनकी अगर आपको पत्रिका, मैं इनसे कहा था कि यहाँ पे भी अगर कुछ उसकी सदस्यता बन सके, कुछ लोग कर सके, अच्छी पत्रिका हिंदी की निकाल रही है, संघर्ष के साथ निकाल रही है, सिन्हा साहब भी हम लोगों के साथ हैं यहाँ आए हैं इनके, जो भारत और नेपाल दूसरा देश जीवस भंडा प्यारो छ। यहाँ उपस्थित अतिथिगण, मैं आप लोगों को नेपाल में विगत से लेकर वर्तमान में हिंदी की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त जानकारी करना चाहती हूँ। साथ ही यह भी बताना चाहती हूँ कि नेपाल में हिंदी की आवश्यकता क्यों है और दोनों देशों के बीच संबंध सुदृढ़ में इसकी भूमिका क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा भाव तथा विचारों के आदान प्रदान के अभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम ही नहीं, समाज एवं संस्कृति की सहायता भी है। मानवीय आचरण और सभ्यता के संपूर्ण कार्य व्यापार भाषा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। एक ओर भाषा हमारे संप्रेषण का सशक्त माध्यम है तो दूसरी ओर सामाजिक नियंत्रण का सार्थक उपकरण भी है। हम यहाँ बात हिंदी और नेपाली कर रहे हैं, जहाँ नेपाली हमारे नेपाल की राष्ट्रभाषा है, वहीं हिंदी हमारे पड़ोसी सबसे करीबी पड़ोसी देश भारत की राष्ट्रभाषा है। यदि दोनों ही भाषाओं की माता संस्कृत है और दोनों ही भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है और दोनों ही भाषाओं की साहित्य प्रवृत्तियां भी लगभग समान है। प्रारंभिक हिंदी तथा नेपाली भाषाओं के साहित्यिक कृतियों का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों ही के बीच बहुत अधिक समानता है। लेकिन ज्यों-ज्यों दोनों की भाषा दोनों ही भाषाओं की क्रमिक विकास होता गया, त्यों-त्यों भाषागत और प्रवृत्तिगत परिवर्तन परिलक्षित होता गया, जो कि स्वाभाविक भी है। दोनों तरफ से खुली सीमा धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक वर्ग व्यवहार की समानता यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि भारत विशाल नेपाल है और नेपाल लघु भारत है।
दोनों ही देशों के जोड़ने की कड़ी के रूप में हिंदी और नेपाली भाषा साहित्य की भूमिका और महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता। नेपाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के भौतिकी परिषद द्वारा वार्षिक समारोह का आयोजन शनिवार को कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम अचल सिंह, प्राचार्य डॉक्टर जे के लाल, भौतिकी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आर पी सिंह सहित कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रोफेसर राम अचल सिंह ने अपने उद्बोधन में भौतिकी के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला, जिसके पश्चात कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के अंत में भौतिकी विभाग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मतलब यदि कार्य में आपके पारदर्शिता है तो कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, तो यही इनकी खासियत है। ये इनकी स्वयं बेहद ईमानदार एवं कर्मठ व्यक्ति है, स्वभाव से अत्यंत सरल विनम्र, परंतु बेहद मजबूत मानसिकता के। Thank you.
गंगोत्री देवी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतिम दिन कॉलेज परिसर में योग ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षिका ममता पांडे ने स्वयं सेविकाओं को योग के विभिन्न आयामों की जानकारी के साथ योग प्रशिक्षण दिया। शिविर के दौरान कॉलेज की शिक्षिकाओं ने योग प्रशिक्षक ममता पांडे को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, डॉक्टर सुष्मिता उपाध्याय सहित कई शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी ने कहा, बच्चों के हेल्थ को देखते हुए कल इसीलिए आई चेकअप कराया गया था, कैंप लगाया गया था और आज महाविद्यालय में योग शिविर लगाया गया है, क्योंकि योग से बच्चों का जो हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट कराते हैं एनएसएस में, उसमें हेल्थ भी एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसीलिए हेल्थ के लिए मूव किया गया है, कैंप लगाया गया। यहाँ बच्चे जो हैं वो अपना योग में सारी योग साधनाएँ वो ममता पांडे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की योग गुरु हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया था एज अ चीफ गेस्ट, वो आई हैं और हम लोग को इस तरह का योगा सिखाई है, बहुत सारे आसनों के बारे में उन्होंने बताया है। और हमारा जो आज हमारा 7वां दिन है कैंप का, लेकिन कल इसका समापन समारोह होना चाहिए था, लेकिन इसका समापन समारोह हम लोग 13 तारीख को करेंगे। तब तक बीच में और भी डेंटल उस पर होगा, डेंटल हेल्थ पर कुछ सेमिनार टाइप का भी एक प्रोग्राम होगा जो अभी मंडे को हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद उनको समापन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने गोरखपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता व वर्तमान में प्रदेश मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे कामेश्वर सिंह को दोबारा प्रदेश मंत्री और संत कबीर नगर के वरिष्ठ नेता व गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष त्रयंबक त्रिपाठी को प्रदेश मंत्री मनोनीत किया। वहीं पूर्व प्रदेश मंत्री सुभाष यदुवंश को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। नेताओं के मनोनयन पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, क्षेत्रीय महामंत्री चिरंजीव चौरसिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दुर्गा राय, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, अतुल श्रीवास्तव, जितेंद्र चौधरी जीतू और जिला संयोजक मुरली मनोहर प्रशांत अभिजीत मिश्र ने बधाई दी। सेंट एंड्रूज कॉलेज के भारत स्काउट्स एवं गाइड का 5 दिवसीय रोवर्स रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर शनिवार को समाप्त हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्काउट्स कमिश्नर रामजन्म सिंह, कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर बीपी सिंह, सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त रविंद्र कौर, जिला संगठन आयुक्त इशरत सिद्दीकी, राकेश कुमार सैनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कॉलेज परिसर में आयोजित समापन समारोह में रोवर्स रेंजर्स द्वारा स्काउट गाइड से जुड़ी विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्काउट गाइड के नियमों और सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गाइड सबकी मित्र एवं दूसरे गाइड की बहन होती है। गाइड बिना भी गाइड पशु पक्षी होती है एवं प्रकृति प्रेमी होती है। सुनाई दे रहा पीछे तक सभी को नेक्स्ट चलो बस्ती।
डीपी सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि को कार्यक्रम में स्वागत करें, वो हमारे इंचार्ज भी हैं और जब भी बुला दें। जिले की जो कार्यकारी होती है, जिले में जो कार्यकारी उसका जो अध्यक्ष होता है, मेरे पास है और इसके कार्यकारी है जो प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक स्काउट गाइड के कार्यक्रम को देखने करती है और सरकारी कर्मियों से कवर करती है। देश का भाग्य विद्यालयों में पड़ता है, विद्यालयों में सेफ होता है, विद्यालयों में आकार देता है देश का भाग्य, जेल में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, जहाँ सरकार आज प्रिंट फोन को है। ऐसे बड़े दायित्व के साथ इस काउंट का संस्था को जोड़ने का कुछ मतलब है, मतलब यह है कि एक सही मनुष्य कैसे बने। सही मनुष्य बनाने का काम केवल इस काउंट गाइड करता है। इस काउंट गाइड की प्रार्थना आपको बताई गई होगी, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमें सेवक सर बना देना। आगे लाइन लिखते हैं कि हमको वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा सजा करना प्रभु। गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। शनिवार को नगर निगम परिसर में एयर प्रेशर मशीन से परिसर और भवन पर जमे धूल मिट्टी को साफ करने का काम किया गया। परिसर में सड़कों के मरम्मत का कार्य भी तेजी से चल रहा है। महानगर को स्मार्ट सिटी बनाने में ये सहायक होगा। Thank you.
शनिवार को 26वीं वाहिनी पीएससी परिसर में 6वीं अंतर वाहिनी पीएससी मध्य जोन मलखम प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि सेना नायक 26वीं बटालियन मुन्ना लाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कंपनी कमांडर विजय कुमार शाही ने मुख्य अतिथि को बैज लगाया। उसके बाद पीएससी के जवानों ने ड्रम बीट के साथ अतिथि का जोरदार स्वागत किया। प्रतियोगिता को शुरू करने से पहले खेल गरिमा को बनाए रखने के लिए सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई। प्रतियोगिता में कुल 5 जोन गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा, सीतापुर और बाराबंकी से 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी टीमों के प्रशिक्षक सब इंस्पेक्टर तौहर हुसैन, कृष्णकांत रामनिवास, मनोज कुमार और पीएससी जवान सहित अन्य कमांडरगण मौजूद रहे। प्रतियोगिता को शुरू करने से पहले सभी टीमों ने संयुक्त रूप से अपनी प्रतिभा को मुख्य अतिथि के समक्ष प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, स्वागत करता हूं और इस अवसर में मैं कुछ बातें आप लोगों से तय करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि आप उसको बनाए रखेंगे। देखिए, खेल जीवन का अभिनय है, ये आपस में भाईचारे का संदेश देता है, खेल से अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए खेल को खेल की भावना से हमें खेलना है। किसी प्रकार का देश राग अन्यथा अन्य कोई बातें इसमें नहीं आनी चाहिए। खेल के दौरान सभी लोग अपना अनुशासन, जैसा कि लगातार होता रहा, हमेशा होता रहा, अनुशासन बनाए रखेंगे और इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं आप सबको जीत की शुभकामनाएं देता हूँ। सभी प्रतियोगिता अपने पूरे तन मन से लग करके वही का छह साल के बाद मान प्रणाम तुम्हें का मन मतलब
युद्ध होता है, खम्भा 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 के युद्ध करने की पुरानी शैली है। जब हमारे नागरिक अन्य देशों में या बैंक करते थे तो इसी खम्भे के सहारे अपने एक्सरसाइज को करके अपने शरीर को शक्तिशाली और स्वस्थ रखते थे। उसी का सिखाया एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने सभी राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू। दीवानी न्यायालय में आयोजित हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत। 39,927 वादों में से 28,878 मामलों का हुआ निस्तारण। 13 जोड़ों की हुई विदाई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और हर्षवर्धन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ 2 दिवसीय गोरखपुर साहित्य समागम। सेटेड्यूस कॉलेज के भौतिकी परिषद द्वारा आयोजित हुआ वार्षिक समारोह। छात्र छात्राओं ने की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। गंगोत्री में स्वयं सेविकाओं को दिए गए योग के टिप्स। भाजपा के गोरखपुर परिक्षेत्र के 2 नेताओं को प्रदेश मंत्री का मिला दायित्व। कार्यकर्ताओं ने दी बधाइयां। सेंट एंड्रूज कॉलेज के रोवर्स रेंजर्स 5 दिवसीय रोवर रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। नगर निगम परिसर में एयर प्रेशर मशीन से परिसर और भवन पर जमे धूल मिट्टी को किया गया साफ। और 6वीं अंतरवाहिनी पीएससी मध्य जोन मलखम प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।